सो गाइस टाटा ने रिसेंटली फर्स्ट इन सेगमेंट कूपे एसयूवी लॉन्च की थी विच इज टाटा कर्व। लेकिन भाई सिट्रोइन भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी कूपे एसयूवी लॉन्च कर दिया विच इज बेसाल्ट, ठीक है। एंड ये भी भाई कर्व के एक दो दिन बाद ही लॉन्च हो गई थी इन इंडियन मार्केट। एंड लेंथ की अगर बात करें तो भाई इसमें 41 mm ज्यादा लेंथ मिलती है एज कम्पेयर टू टाटा कर्व, ठीक है। तो लेंथ में काफी लंबी है गाड़ी एज कम्पेयर टू कर्व। एंड लुक्स की बात करें तो काफी यूनिक से एंड काफी अच्छे लुक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। Guys, if we talk about price of this car, so this car starts from 7.99 lakhs ex showroom base variant, and top variant jata somewhere 12.5 lakh rupees ex showroom, ठीक है। एंड अगर बात करें कर्व की तो कर्व क्रॉस कर जाती है भाई 20-22 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपको एक तो अफोर्डेबल प्राइस में गाड़ी मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है विद ऑलमोस्ट एवरी फीचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं चाबी से, इस तरह से मिल जाती है, की फ्लिप की है लॉक अनलॉक के साथ में। एंड सेकेंड की इस तरह से मिलते हैं मैनुअल। एंड फ्रंट लुक्स की अगर बात करें तो इस तरह से मिल जाते हैं इसमें फ्रंट लुक्स, सिट्रोइन का लोगो मिल जाता है इस तरह से। एंड यहाँ पर इस तरह से मिल जाती है ग्रिल, और यहाँ पर आ जाती है इस तरह से DRLs, ठीक है, इस तरह से। एंड दीज आर द इंडिकेटर्स एंड दिस इज अ प्रोजेक्टर हेडलाइट, और नीचे आ जाती है इसमें फॉग लाइट। एंड इस तरह से मिल जाती है भाई इसमें स्किड प्लेट फ्रंट में। सो फ्रंट लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। एंड लेंथ भाई कर्व से ज़्यादा, मैंने जैसे कि बताया 41 mm ज़्यादा लेंथ है, तो लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है इन दिस कार। एंड साइड लुक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अलॉय व्हील्स की। यहाँ पर आ जाते हैं 16 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं फ्रंट में, तो प्रोफाइल काफ़ी सही है। एंड ये टॉप वेरियंट है इन मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। 12.5 लाख रुपये कॉस्ट करती है एक्स शोरूम। यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है डुअल टोन में, रूफ मिलती है ब्लैक, दिस इज अ रेड कलर। एंड ORVMs भी अगेन ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाते हैं। एयर गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको अनलॉक करते हैं तो देख सकते हो दीज आर द इंडिकेटर्स। एंड ये पूरा DRL है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से काफ़ी बढ़िया लगता है। और अब चलते हैं भाई मेन चीज़, कूपे SUV है तो रेयर लुक तो देखना बनता है गाड़ी का। ये देख सकते हो भाई पूरा स्लोप में रूफ है रेयर तक, दिस इज़ अ कूपे SUV। एंड लुक्स के मामले में तो भाई गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, सीरियसली कर्व को टक्कर दे रही है। सिट्रोइन की बैजिंग आ जाती है लोगो, एंड दिस इज अ बसाल्ट। एंड यहाँ पर आता है प्योर टेक का पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज दोनों के साथ में मिलती है। एंड ऊपर इस तरह से आ जाता है शार्क फिन एंटीना, एंड ये चीज़ काफ़ी सही लगती है यार कूपे SUV है क्योंकि, तो रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड इस तरह से रेयर में आ जाते हैं डिफॉगर्स। एंड बूट स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 470 liters का बूट स्पेस विच इज़ वेरी ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह रख सकते हो। एंड इस तरह से यहाँ पर सीट्स आ जाती है, बट दीज आर नॉट 60-40 स्प्लिट्स, पूरा सिंगल ही एक बार में फोल्ड होगा। पार्शियल ट्रे आ जाती है यहाँ पर, एंड इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज। एंड गाइज इस तरह से आ जाती है इसमें रेयर स्किड प्लेट, एंड दिस इज़ दी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस कार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। एंड गाइज अब चलते हैं कार के अंदर, इस तरह से आ जाते हैं इसमें डोर हैंडल्स। एंड वेट काफ़ी मिल जाता है डोर का, मीन्स सेफ्टी काफ़ी सही है गाड़ी की, नो डाउट। एंड काफ़ी वाइडली ओपन हो जाते हैं डोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाता है इस तरह से डुअल टोन में इंटीरियर वाइट एंड ब्लैक, इस तरह से आ जाती है पावर विंडोज ग्लॉसी ब्लैक में पूरा। स्पीकर आ जाते हैं 4 बॉटल होल्डर वगैरह, एंड इस तरह से अगेन डुअल टोन में इंटीरियर आ जाता है। दीज आर द लेदर सीट्स, और ये मिल जाती है भाई इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट्स, ठीक है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, और इंटीरियर में आते ही जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी सिट्रोइन बसाल्ट की, वो है इसका डिजिटल क्लस्टर। छोटा सा है एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल के लिए यहाँ पर दिखाता है, टेम्परेचर का यहाँ पर दिखाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड काफ़ी प्रीमियम सा और काफ़ी यूनिक सा, क्रिएटिविटी तो भाई इन्होंने इसमें दिखाई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें तो भाई 10/10 है बसाल्ट में पॉइंट्स। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें, पूरा लेदर रैप स्टेयरिंग है, यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। एंड ये सिट्रोइन का लोगो, ठीक है। तो ये पार्ट तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा। अब आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी सी स्क्रीन दी है इंफोटेनमेंट सिस्टम की 10.2 inches की। एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरा टच रिस्पॉन्स काफ़ी सही है इसका,
ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो कोई लैग वगैरह नहीं मारता, लेकिन सारी चीज़ें बेसिक है। कोई आपको अगर इसको कर्व से कंपेयर कर रहे हो तो उसकी तरह बहुत ही एडवांस फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, बट ये कि भाई ज़रूरत के सारे फीचर्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल कार। ठीक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल कार है। और डैशबोर्ड की अगर बात करें तो देख सकते हो भाई कितना बढ़िया क्रिएटिव सा यूनिक सा इन्होंने डैशबोर्ड दिया इसमें। ठीक है, डुअल टोन में ये डिफरेंट टोन है, दिस इज़ अ ब्लैक अगेन। ठीक है, ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक मिलता है। एसी वेंट्स देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं यूनिक से। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी आ जाता है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। तो मतलब जो इंटीरियर है काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, मतलब बोर नहीं होगे और ये भी नहीं बोलोगे कि भाई क्या है। ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्टरी है, काफ़ी बढ़िया काम किया है डैशबोर्ड में इंटीरियर में गाड़ी के लिए। ठीक है, ये देख सकते हो कितना बढ़िया डिज़ाइन दिया है एसी वेंट्स का। तो ये चीज़ होती है भाई जो कि कस्टमर को प्रीमियम फील कराती है। और यहाँ पर फ़ोन वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पर इस तरह से ग्लव बॉक्स आ जाता है, काफ़ी डीप है, बढ़िया सामान रख सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। एंड ऊपर बात करें, डे एंड नाइट एडजस्टेबल आ जाता है, IRVM, केबिन लाइट आ जाती है हेलोजन में। ठीक है, एंड यहाँ पर सनशीट्स वगैरह, को पैसेंजर साइड में आ जाता है वैनिटी मिरर, सॉफ्ट क्लोज के साथ में ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ तो भाई स्लाइडेबल आ जाता है इस तरह से आर्मरेस्ट। ठीक है, ये पूरा लेदर में है, सारे सीट कवर्स एंड ये पूरा, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। और ये थोड़ा सा हाइट पे है तो बैठने में कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें, देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब बेसिक जो सारे फीचर्स हैं ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ट्विटर का सेटअप वहाँ पर है, कंप्लीट गाड़ी है भाई पूरी, मतलब कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा डेली यूज़ में कि ये वाला फीचर मिसिंग है, कुछ नहीं लगेगा, सारे फीचर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। और अगर बात करते हैं स्टेयरिंग की तो उस तरह से आ जाता है टिल्ट, एंड टेलीस्कोपिक नहीं है भाई ये। ठीक है, तो स्टेयरिंग व्हील का ही हो गया। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो उस तरह से देख सकते हो ORVM कंट्रोल्स आ जाते हैं, नीचे लाइट्स के लिए आ जाते हैं कंट्रोल्स वगैरह, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और ये विंडो के लिए है, और चारों पावर विंडो यहाँ पर आ जाती है इस तरह से। और ये भी पूरा सॉफ्ट टच है भाई इसमें। ठीक है, ये हार्ड प्लास्टिक हो गया, ये सॉफ्ट टच है, तो प्रीमियम फील तो है गाड़ी में, नो डाउट। एंड गियर बॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आ जाता है, पेट्रोल इंजन ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा, नेचुरली एस्पिरेटेड, बेस वेरिएंट्स में मिल जाएगा आपको इंजन, टॉप वेरिएंट्स में आएगा टर्बो चार्ज, तो पावर अच्छी खासी निकाल के देगी गाड़ी, अंडर पावर नहीं कह सकते बिल्कुल भी। ठीक है, पावर अच्छी खासी है गाड़ी में टर्बो में अगर आप जाते हो तो। एंड ये देख सकते हो, अब इसका कैमरा आपको चेक करवा देता हूँ एक बार, रिवर्स में डाल लेते हैं गाड़ी को। ठीक है, ये देख सकते हो भाई कैमरा क्वालिटी, और भाई मैं अगर बताऊँ ना 10 out of 10 है भाई, कैमरा इतना शार्प और इतने क्लियर इमेज दे रहा है ना, सीरियसली बहुत ही बढ़िया। ठीक है, टॉप वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा तो ऑल्दो आपको नहीं मिलेगा, पर जो रेयर कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है ना, आप खुद देख सकते हो भाई क्या जबरदस्त क्वालिटी है। पीछे चल के दिखाते हैं कि पीछे कितना स्पेस है। ठीक है, क्योंकि फैमिली कार तो तभी बनेगी कि भाई स्पेस कितना मिल रहा है, क्योंकि कर्व से इसकी 41 mm लेंथ ज़्यादा है, तो कर्व से देखते हैं कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिलेगा। और एक बार ड्राइवर के लिए बता दूँ भाई, नीचे यहाँ पर आपको डेड पेडल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस तरह से पेडल से मिल जाता है, डेड पेडल देना चाहिए था लॉन्ग रूट्स के लिए, थोड़ा कम्फर्ट और बढ़ जाता। लेकिन अब इसको भाई अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ मैं, 5'7" मेरी हाइट है। ठीक है, देख सकते हो हेडरूम इतना मिल रहा है, ऑल दो हाइट एडजस्टेबल सीट्स है। ठीक है, एंड ये पूरा यहाँ पर जितना आर्मरेस्ट ये वाला हाइट पे है ना, उतना ही ये वाला पैनल भी हाइट पे है, उतनी ही हाइट पे है, तो यहाँ पर याद रखो अपना कंफर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा, नो डाउट यार। ठीक है, और बोनेट भी अगर मैं बात करूँ अपनी हाइट से विजिबल हो रहा है SUVs की तरह। ठीक है, तो प्रॉपर SUV वाला फील तो आएगा ही आएगा आपको यहाँ पर, और कूपे SUV तो है भाई, उसका तो क्या ही कहना। अब एक बार पीछे चलते हैं, गाड़ी को यहाँ से कर लेते हैं बंद। यहाँ पर अगेन सॉफ्ट टच में पावर विंडो मिल जाती है, डुअल टोन में इंटीरियर है, एंड ये देख सकते हो अंदर फ्लैट बेंच है, 3 बंदे बड़े आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 आ जाते हैं इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और ये देख सकते हो भाई पूरा यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, हेड सपोर्ट। और अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट, एंड स्पेस देख सकते हो भाई, मतलब लेंथ जो 41 mm कर्व से ज़्यादा है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका जो
लेग रूम है वो टाटा कर्व से ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर प्लस पॉइंट है जो कि काफी लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है। लेग स्पेस काफी अच्छा मिल जाएगा। हेडरूम की अगर बात करूँ, इतना हेडरूम मिल रहा है। ऑब्वियसली यार कूपे एसयूवी है तो 6 फीट से ज्यादा अगर बंदा बैठेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन ठीक है, मतलब 6 फीट तक के बंदों के लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर मिल जाते हैं रेयर में पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स, काफ़ी बढ़िया। एंड नीचे जो बेस्ट चीज़ लगी वो है यूएसबी स्लॉट, ठीक है, दो दिए हैं, तो ये चीज़ सही है कि अपना अपना फ़ोन चार्ज कर लो आराम से, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और ये देख सकते हो स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। तो फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं एंड कम्फर्ट का ध्यान रखा गया है। और मेनली जो एड ऑन फीचर है वो है भाई ये वाला, देख रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त लेग रूम, जिसके लिए भाई थम्सअप है सिट्रॉइन को, ठीक है। तो प्रॉपर एक फैमिली कार बन जाती है, आराम से 5 बंदे जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लैट बेंच है, ठीक है। सो गाइस ये था ऑल अबाउट द सिट्रॉइन, पीछे से देख सकते हो उस तरह देखने को मिलता है इसका पूरा डैशबोर्ड। तो ये था भाई ऑल अबाउट द सिट्रॉइन, कैसी लगी आपको गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और कमेंट में ये भी बताना कि अगर आप जाते हो 10-12 लाख रुपये का आपका बजट है, सो यू विल प्रेफर टॉप वेरियंट ऑफ द सिट्रॉइन, आइदर यू विल एक्सटेंड योर बजट और यू विल गो फॉर टाटा कर्व, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन भाई नॉर्मल सी चीज़ ये बताऊँगा कि आप कमेंट करके बताओ कि प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, सिट्रॉइन बसाल्ट जिसका रिव्यू मैं अभी कर रहा हूँ या फिर टाटा की कर्व, ठीक है। और हेड ऑन फीचर्स मैं अगेन आपको बता देता हूँ, लेंथ यहाँ पर 41 mm ज़्यादा मिलेगी आपको और प्राइस रेंज का तो ध्यान रखा ही गया है भाई, ठीक है। तो कमेंट करके बताना गाइस, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।